अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है क्रिमिनल केस थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू क्रिमिनल केस के बारे में आज हम देख रहे हैं। देखिए, आमतौर पर पावर ऑफ अटॉर्नी सिविल केसेस और फैमिली केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। क्रिमिनल केस में जो कि एक पर्सनल एग्रीव्ड पार्टी होती है और इंजरी का शिकार होती है, इसलिए खुद ही केस को फाइल किया जाता है क्रिमिनल केस, और खुद ही उसका दिफा किया जाता है। अलबत्ता क्रिमिनल केस फाइल करने के लिए एक लिमिटेड अख्तियार आपके पास मौजूद है। आप एक लिमिटेड अख्तियार इस्तेमाल करते हुए क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल करने के लिए उसकी सूरत में, फॉर एग्जांपल, एक चेक बाउंस हो जाता है, आप उसकी एफर्ट लार्ज कराना चाहते हैं, तो एक लिमिटेड सूरत में आप इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। आप थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी चेक बाउंस होने की सूरत में आप एफआईआर लार्ज करा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास रूलिंग है 2011 PCRLJ है, कराची है, पेज 774 है, 2011 PCRLJ कराची और पेज 774 है, जो कि जस्टिस तुफैल इब्राहिम की है। इस केस में जो कंप्लेनेंट है मुदई, वो जापान में रहता था और उसने स्पेशल पावर ऑफ दी अटॉर्नी दी और एफआईआर दर्ज कराई। उसमें ये कहा गया है, इट इज नाउ ए सेटल्ड प्रीपोजिशन दैट एवरी मेंबर ऑफ द पब्लिक हैज राइट टू सेट द व्हील्स ऑफ द क्रिमिनल प्रीपोजिशन इन ए मोशन एंड देयर इज नो एम्बार्गो फॉर एनी पर्सन टू लॉज ए कंप्लेंट आर टू बी पर्सनली एग्रीव्ड। तो यू कांट डिफेंड, ये याद रखें, सॉरी, आप केस तो फाइल कर सकते हैं मगर आप केस को डिफेंड नहीं कर सकते। पावर ऑफ अटॉर्नी पर आप केस को डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसकी एक ओन कैपेसिटी होती है और ओन कैपेसिटी में आपको अपेयर होना पड़ता है केस को डिफेंड करने के लिए। इसलिए जरूरी है कि आप दिफा करने के लिए आपको खुद हाजिर होना पड़ेगा। एफआईआर अलबत्ता कैन बी लॉज। देखिए, कोई भी एफआईआर, तो कोई भी अगर कोई जुर्म होता है वो शख्स देखता है, सरकार भी देख कर सकती है, कोई और भी कर सकता है, वो एफआईआर लॉज करा सकता है। लेकिन अगर केस को आगे चलाना है, खासकर केस को डिफेंड करना है, आप एक्यूज पर्सन है, तो बीइंग ए एक्यूज पर्सन आप पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए केस का दिफा नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरी है कि आपको खुद हाजिर होना पड़ेगा। अगर खुद आप हाजिर होंगे तो फिर आप केस को डिफेंड कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। ये बहुत से कोर्टों के फैसले, अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से, हम बात करते हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, अगर बात करते हैं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि कोई भी आदमी जो है वो एफआईआर लॉज कर सकता है। रिकॉग्नाइज पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर टू इनिशिएट ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ द प्रिंसिपल। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, अगर आप रिकॉग्नाइज पावर ऑफ अटॉर्नी होते प्रिंसिपल की तरफ से। उसकी रूलिंग भी है AIR 1967 SC 349, ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। उसमें ये कहा गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग कर सकते हैं। ये तो हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ मुझे इजाजत देकर फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।